नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दीवार बनी है, तो इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे कि दीवार को मापकर कॉन्ट्रैक्टर का लेबर पेमेंट किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है। यदि आपके घर पर दीवार बन रही है तो उस दीवार को मापकर आप लेबर का पेमेंट किस तरीके से करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि हाउ टू मेजर वॉल फॉर लेबर पेमेंट, यानी कि दीवार को मापकर लेबर का पेमेंट किस तरीके से करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम वॉल की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वॉल की लेंथ की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर वॉल की लेंथ कितनी है। तो इसी तरीके से आपको भी वॉल की लेंथ टेप लगाकर माप लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल की टोटल लंबाई जो है वो 9 फीट 6 इंच है, यानी कि 9 फीट 6 इंच है। तो इसी तरीके से आपको भी माप लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वॉल की टोटल लेंथ 9 फीट 6 इंच है। वॉल की टोटल लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल की हाइट मापना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल की हाइट की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि वॉल की टोटल ऊंचाई कितनी है। तो वॉल की ऊंचाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि वॉल की टोटल ऊंचाई 9 फीट 10 इंच है, यानी कि 9 फीट 10 इंच है। तो यहाँ पर हमने वॉल की टोटल हाइट 9 फीट 10 इंच लिख लिया। तो वॉल की लेंथ यानी कि लंबाई और हाइट मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको आपको फिट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल की टोटल लेंथ है 9 फीट 6 इंच, तो इस 6 इंच को हमें फिट में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से वॉल की टोटल हाइट यानी कि ऊंचाई 9 फीट 10 इंच है, तो इस 10 इंच को हमें फिट में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको फिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस 6 इंच को हमें फिट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को यदि आप फिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस वैल्यू में आप 12 से भाग दे दीजिए। जैसे इस 6 इंच को हमें फिट में कन्वर्ट करना है तो हमने इसमें 12 यानी कि 12 से भाग दे दिया, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 12 यानी कि 12 से भाग दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6 इंच को फिट में कन्वर्ट करने के बाद 0.5 फिट आ गया। तो यहाँ पर हम इस 9 फिट 6 इंच को कुछ इस तरीके से 9.5 फिट लिख सकते हैं, यानी कि 9.5 फिट हो गया। नेक्स्ट यदि हम हाइट की डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि 9 फिट 10 इंच है, तो इस 10 इंच को हमें फिट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हमें 12 यानी कि 12 से भाग दे देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि 12 से भाग देने के बाद 0.8333 फिट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 इंच में 0.833 फिट होते हैं। तो इस 9 फिट 10 इंच को हम कुछ इस तरीके से 9.834 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वाल का एरिया निकालना है। तो वाल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू हाइट, यानी कि पूरे दीवार की ऊंचाई इनटू यानी कि गुणा कर देंगे हाइट से। तो आपको पता चल जाएगा कि वॉल का एरिया क्या हुआ। अब चलिए इसी फॉर्मूले पर ये सब वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले वॉल का लेंथ यानी कि लंबाई 9.5 फिट है, यानी कि 9.5 फिट है, इनटू दीवार की टोटल हाइट 9.834 फिट है। अब चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें वॉल का एरिया पता चल जाएगा। टोटल एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट चीज हम लेबर रेट की बात करें, यानी कि इस पूरी दीवार को बनाने का टोटल लेबर रेट कितना हुआ। यदि हम इसकी बात करें तो टोटल लेबर रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ए इंटू 1 SQFTR। ए का मतलब दीवार का टोटल एरिया इंटू 1 square foot रेट, यानी कि 1 square foot दीवार जोड़ने का क्या रेट चल रहा है। तो चलिए हम सभी वैल्यू को इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल इस दीवार को जोड़ने का कितना लेबर रेट हो गया, यानी कि दीवार जोड़ने की कितनी मजदूरी हो गई। तो सबसे पहले दीवार का एरिया आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 93.423 square feet निकाला था, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 93.423 square feet इंटू 1 square foot r, यानी कि
एक स्क्वायर फिट दीवार जोड़ने का जो रेट है वो 20 रुपये यानी कि 20 रुपये पर स्क्वायर फिट है, तो 20 से हम गुणा कर देंगे। आपके एरिया में दीवार जोड़ने का रेट कितना रुपये स्क्वायर फिट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1868 रुपये हो गया, यानी कि 1868 रुपये हमारा लेबर रेट हो गया इस दीवार को जोड़ने का। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी दीवार को जोड़ने का कितना लेबर रेट हो गया आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को एक डाउट जरूर से ज़रूर होगा कि इस दीवार में आप देख सकते हैं कि विंडो यानी कि खिड़की है, तो वाल के ब्रिक वर्क का मेजरमेंट करते समय हम इस विंडो की एरिया को माइनस करेंगे या फिर नहीं? तो भाई आपको बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है, क्योंकि दीवार को लगाते समय इस विंडो को लगाने का वर्क भी उसी मिस्त्री ने किया है जिसने ये दीवार बनाई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दीवार को मापकर लेबर का पेमेंट किस तरीके से निकालते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।